अहमदाबाद की रहने वाली शालिनी जब बहू बनकर एटा के रामई हेतम शाह गांव में अपने ससुराल आई तो उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जिस घर को उसने अपनाया है वहाँ शौचालय तक नहीं है। फिर क्या था, शालिनी ने अपने पति मयंक के आगे मांग रख दी कि अगर घर में शौचालय नहीं होगा तो वो यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेगी। जिद की थी कि हमारे जब मायके में शौचालय था, हम कभी बाहर शौच नहीं गए तो अब भी नहीं जाएंगे, हमें शौचालय चाहिए जी। शौचालय बनवाइए, कैसे भी बनवाइए। गरीबी में जीवन जी रहे मयंक ने शालिनी को मनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो थकार कर उसे अपनी दो बकरियों को बेचना पड़ गया और बदले में मिले 16,000 रुपयों से उसने घर में शौचालय का निर्माण कराया। हम कभी बाहर नहीं गए तो हमें शर्म महसूस होती है, खुले में शौचालय करने की हमारी आदत नहीं थी, तो उनके पास पैसा नहीं था, मजबूरियाँ थी, कुछ घर की प्रॉब्लम्स, तो फिर उन्होंने उनके पास जो बकरी थी उन्होंने शौचालय के लिए बकरी बेच दी। शालिनी की हिम्मत की खबर प्रशासन तक पहुंची और जिलाधिकारी ने तुरंत परिवार को आर्थिक मदद के आदेश अधिकारियों को दिए। ये जो एक संवेदनशीलता और एक मान मर्यादा अपनी पुत्र वधु के लिए उन्होंने जो दिखाया, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम था कि, और जो हमारे जनपद के ब्रांड एम्बेसडर में उसको उनको हमने सम्मिलित किया है, स्वच्छता का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें उनको सम्मिलित। शालिनी की जिद ने जहां उसके नए परिवार को साफ सफाई के बारे में जागरूक किया तो वहीं उस समाज के लिए भी मिसाल कायम की जहां आज भी लोग खुले में शौच जाने की आदत को छोड़ नहीं पाए हैं। संतोष कुमार, APN, एटा।